मूवी के स्टार्टिंग साल 2036 रशिया के पास यूक्रेन में एक सिविल वॉर शुरू होता है जिसे विक्टर कोवेल ने छेड़ा था, जिसको बहुत कम लोगों ने देखा। प्रेजेंट टाइम में उनके 40 यूएस मरीन सोल्जर्स और रोबोट वॉर जोन में होते हैं। उनके दो मरीन सोल्जर्स वहां फंसे होते हैं। ऊपर से ड्रोन सोल्जर्स हार्प को वहां एक ट्रक मिसाइल लॉन्च करते हुए देखता है। दो सोल्जर्स उस ट्रक के पास होते हैं, बट हार्प 38 सोल्जर्स की जान बचाने के लिए उस ट्रक को उड़ा देता है और अपने सीनियर का ऑर्डर नहीं मानता है। उस ड्रोन मिसाइल के हमले में दो सोल्जर्स मर जाते हैं। उसी वजह से हार्प को एक डिप्लॉयमेंट ड्राइव लेके रियल कन्फाइन जोन कैप में भेज दिया जाता है एक पनिशमेंट के तौर पे। हार्प वहां नहीं जाना चाहता है, बट उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। वहां उसे एक हार्ड मिलते हैं जो हार्प को कैप्टन लियो से मिलने के लिए बोलते हैं। लियो हार्प को विक्टर कोवेल के बारे में बताता है। कोवेल क्रेसिनी का लीडर है और क्रेसिनी यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाना चाहता है, जहां रेसिस्टेंस सेना उनको रोकने में लगी है। अब कोवेल रशिया का न्यूक्लियर वेपन सिस्टम और पैरामीटर को हथियाना चाहता है, जिससे वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन गिरा सके। 24 घंटे में कोवेल कोर्स हासिल करने की कोशिश करेगा। हमें उसे रोकना है, ये वैक्सीन एक रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचाना है और वहां मेरा एक खबरी मिलेगा। ड्रेसिंग रूम में लियो एक हाईली एडवांस रोबोट होता है, ये हार्प को दिखाता है और ये कहता है कि ये बात सिर्फ तुम और कोल इकहार्ट ही जानता है, और हार्प से भरोसा करने के लिए बोलता है और वो सब लोग रिफ्यूजी कैंप के लिए निकलते हैं। रास्ते में लियो हार्प की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, उसकी होने वाली पत्नी की फोटो देखता है और तभी उनको खबर मिलती है कि रास्ते में एक फूड ट्रक पर हमला हुआ है और वहां के एक सिविलियन रास्ता नहीं दे रहे हैं। तब कुछ रोबोट और मरीन्स बाहर निकलते हैं और उनमें से एक रोबोट एक सिविलियन को गोली मार देता है। फिर लियो बिना हथियार के उनसे डील करने जाता है और कहता है कि आप वो ट्रक ले जाओ, हमें अपने मरे हुए सोल्जर्स उठाने दो और निकलने का रास्ता दो। तभी अचानक कोई बिल्डिंग से बॉम्ब फेंक कर एक रोबोट को उड़ा देता है और चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। तभी लियो और हार्प अकेले आगे जाने का फैसला करते हैं और वो दोनों आगे जाके रिफ्यूजी कैंप तक पहुंचते हैं। वहां लियो का फ्रेंड उसको कैंप तक लेके जाता है। तभी लियो पे कोविल का आदमी हमला कर देता है। लियो उसे टॉर्चर करके पूछता है, फिर वो उसे रिफ्यूजी कैंप के हवाले कर देता है। फिर लियो और हार्प एक ट्रक से जाके ऑर्फनेज पे रुकते हैं। वहां लियो की खबरी सोफिया होती है। वो बताती है कि न्यूक्लियर मिसाइल को सिर्फ सीक्रेट कोड ही एक्सेस करता है, वो यहीं कहीं इसी शहर में है। फिर सोफिया उन्हें एक डीलर के पास लेकर जाती है। वहां डीलर एक बैंक का पता बताता है जहां कोविल भी होता है। लियो हार्प से अपनी बॉडी की ट्रैकिंग डिवाइस निकलवाकर फेंक देता है। फिर बैंक में जाके ई कार्ड को कॉल करवाता है और कोविल की लोकेशन देता है। ई कार्ड वहां ड्रोन मिसाइल से बैंक पे हमला करवाने का फैसला लेता है, बट लियो बैंक के अंदर कोविल के आदमियों से लड़ रहा होता है और हार्प बाहर मरीन्स के साथ सिविलियंस को बचा रहा होता है। हार्प ई कार्ड को ड्रोन मिसाइल गिराने से मना करता है क्योंकि लियो और कुछ सिविलियंस बैंक के अंदर होते हैं और वहां दूसरी तरफ लियो को वो सीक्रेट कोड मिल जाता है। हार्प वहां से कुछ सिविलियंस को बचाकर बैंक से दूर चला जाता है। तभी ई कार्ड बैंक पे एक मिसाइल गिरा देता है, बूम। हार्प को लगता है लियो और कोविल मर गया, बट अचानक से लियो आता है। फिर दोनों कार में जा रहे होते हैं, बट लियो वो कोड्स कैंप नहीं लेके जाता। वो पैरामीटर की लोकेशन लेने के लिए कोविल के पीछे जाता है क्योंकि कोविल जिंदा होता है और हार्प को गाड़ी से फेंक देता है। और फिर सोफिया हार्प को उठा लेती है और सोफिया हार्प को लियो की सच्चाई बताती है कि लियो न्यूक्लियर वेपन अमेरिका पे गिराएगा क्योंकि इस वॉर की वजह अमेरिका है। और लियो वहां कोविल से बात करता है, उसे समझाता है, उसे सिस्टम ऑफ पैरामीटर की लोकेशन देने से मना करता है। फिर लियो कोविल के ऊपर अटैक करके उसके सारे आदमियों को मार कर फिर कोविल के ऊपर भी अटैक कर मार देता है। इधर हार्प सोफिया को समझाता है कि उसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। उधर लियो को वो लोकेशन मिल जाती है, वहीं सोफिया हार्प को छोड़ देती है। फिर हार्प डायरेक्ट कैंप जाता है। वहां एक हार्ट को बताता है कि लियो बागी हो गया है, वो न्यूक्लियर अमेरिका पे गिरा के उसे खत्म करना चाहता है। फिर हार्प अपनी ड्रोन फ्रेंड बी से कार नंबर 1209 को ढूंढ के उसे फॉलो करने को कहता है और फिर हार्प उसकी लोकेशन ट्रैक करके लियो के पीछे जाता है। उस लोकेशन से वो एक पावर प्लांट के पास पहुंच जाता है, वही सिस्टम ऑफ पैरामीटर होता है। वहां लियो
वो कोड उसमें लगाने की तैयारी कर रहा होता है और हार्प उसको ढूंढ रहा होता है। तभी लियो को पता चलता है कि हार्प वहां पहुंच गया है। लियो हार्प की गर्दन दबाता है और हार्प उस पे गन से फायर करता है, बट लियो को कुछ नहीं होता है। फिर हार्प बेहोश हो जाता है। उधर लियो वो कोड इंस्टॉल कर देता है। तभी हार्प को होश आता है और हार्प देखता है कि लियो कोड लॉन्च कर चुका है, और फिर हार्प लियो पे लॉन्चर गन से हमला कर देता है। लियो घायल हो जाता है। लियो हार्प से पूछता है, ऐसा क्यों किया तुमने? लियो कहता है कि मेरे जैसे एडवांस्ड रोबोट और ना बने तो मैं मुझे बनाने वाले अमेरिका को ही खत्म कर दूंगा, जिससे और जंग ना हो। और हार्प ये सुन के वहां से चला जाता है और ईकार्ट उस मिसाइल एयर स्ट्राइक से सब खत्म कर देता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।